इस बार विधानसभा चुनाव में बीते 15 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। शहर में कांग्रेस ने अब राज्य और नगर सरकार को घेरने के लिए डेंगू बीमारी का सहारा लिया है। शहर के सिविक सेंटर में कांग्रेसियों ने डेंगू, स्वाइन फ्लू जैसी अन्य बीमारियों को लेकर धरना दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिले का विधायक स्वास्थ्य राज्य मंत्री हो और उसी के जिले में डेंगू जैसी घातक बीमारी से सैकड़ों लोगों की मौत हो जाए, उन्हें अपनी गलती स्वयं ही स्वीकार कर लेना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की माने तो जबलपुर जिले में डेंगू जैसी बीमारियों से अब तक 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, पर जिले का स्वास्थ्य विभाग ये आंकड़ा देने में असफल है। आज पिछले 3-4 महीने से जबलपुर शहर में जिस ढंग से मौतें हो रही है, ये जबलपुर शहर में मौतों का एक नया हाहाकार पैदा हुआ। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जो बच्चा आज रात को दौड़ता भागता हुआ घर लौटा, अचानक सुबह तक उसकी मौत हो जाती, अचानक उसकी प्लेटलेट डाउन हो जाती, बीमारियों का अंदाजा जबलपुर शहर के डॉक्टर नहीं लगा पा रहे। सरकार की ओर से कोई कारगर कदम उठाए नहीं जा रहे। सरकार ये भी नहीं बता पा रही कि आपकी बीमारियां हैं कौन सी, इसका इलाज कौन सा। सरकारी स्तर पे सरकारी अस्पतालों में कोई विशेष कैंप नहीं लगाया जा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश के मामा बनते हैं, शहर में भांजे भांजे मर रहे हैं, लेकिन वो जन आशीर्वाद यात्रा में हाथ हिला के चले गए। जबलपुर शहर के राकेश सिंह जी, जो जबलपुर शहर के सांसद है, जिनकी जिम्मेदारी शहर, वो एक बार भी इस मुद्दे पे संजीदगी के साथ सामने नहीं आए। किसी गली में नहीं घूमे, शरद जैन स्वास्थ्य मंत्री हैं, किसी मोहल्ले में नहीं निकले। इन सब बातों को लेकर आज कांग्रेस सड़क पे है। जबलपुर शहर में 100 से ज्यादा मौतें हो गई, आंकड़े सामने नहीं आ रहे, बीमारी समझ में नहीं आ रही, और ऐसी स्थिति में सरकार चुप्पी लगाए बैठी हुई है। जबलपुर शहर का प्रशासन चुप्पी लगाए बैठा हुआ है। जबलपुर शहरी कलेक्टर महोदय एक शब्द नहीं बोल रहे। हम लोग की ये मांग है कि जो जबलपुर शहर की बीमारी है उसके कोई ठोस कदम उठाए जाए, विशेष कैंप लगाए जाए, डॉक्टर्स क्लियर करें आम जनता को कि आखिर बीमारी क्या है। सरकार की ओर से वक्तव्य आए, इन बीमारियों के लिए उन्हें कौन से और स्वास्थ्य मंत्री जी को तो पद पे रहने का अधिकार नहीं। वैसे तो सरकार और जनता उनकी अभी पूरी हट जाएगी, एक महीना का ही समय बचा है, लेकिन अब उनको एक मिनट के लिए बैठने का अधिकार नहीं बचता है। देखिए, पहले शुरुआत पे हुआ तो लग रहा था कि कोई छोटी मोटी बीमारी का कहर है, लेकिन जिस तरह से इसकी स्पीड बढ़ रही है, अभी नया जीका वायरस की बात आने लगी, स्वाइन फ्लू की बात आने लगी, इसका मतलब कि बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम लोग सड़कों पे हैं और ये जो आंदोलन है पूरे शहर में फैलेगा और सरकार से इसका जवाब लिया जाएगा। ये आंदोलन लगातार सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है।